नीमच पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अटल जी राजनीति में शुचिता का उदाहरण थे। विपक्ष के लोग भी आज तक अटल जी पर आरोप नहीं लगा पाए। अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा और समाज के लिए अर्पण कर दिया। आए हैं किस किस श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन का अवसर है और पूरे भारत में यह सुशासन के दिवस के रूप में मनाने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। अटल जी ने स्वयं के लिए नहीं करते हुए देश के लिए व्यक्तिगत जीवन को भी देश को समर्पित करने की जो प्रेरणा दी है वो युवाओं के लिए एक आदर्श है और इस भारत के लिए एक आदर्श है। वो महापुरुष जिनका यह मानना था कि यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और अगर हमारे मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करें और कान लगाकर कोई सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। ये शब्द नहीं है, ये केवल भाव नहीं है, ये उन्होंने जीकर बताया है। देश में उनके जैसा विरले व्यक्तित्व बहुत ही सदियों बाद कोई एकाध होता है। इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान के माध्यम से एक संदेश दिया है कि स्वयं के लिए नहीं जीकर दूसरों के जीवन के लिए अपना शरीर का कण कण क्षण क्षण हो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। आदरणीय अटल जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि यह नहीं, यह न मेरा राष्ट्र का है, राष्ट्र हित ही सब समर्पित। इसलिए राष्ट्र के लिए, पर हित के लिए, दूसरों के लिए जीने की कल्पना जो है, अटल जी का जीवन जो है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह भीमावत, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा नीमच। अब पूज्य हमारे मार्गदर्शक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन सुशासन के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर में आज के दिन जन्मे थे और आज वो एक ऐसा राजनीतिक नेता रहा है जिसने पूरे देश में शुचिता की राजनीति प्रारंभ की। आज सुशासन के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। युवा मोर्चे ने सुबह रक्तदान किया, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करके और एक अभिनव कार्य किया। स्वच्छता अभियान को लेकर भी कार्यक्रम किए गए। अलग अलग तहसीलों में कहीं अटल जी की कविताओं को लेकर गोष्ठी की जा रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी के जन्मदिन के लिए जल संचय को लेकर योजना प्रारंभ की अटल जी के नाम से। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अटल जी एक 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री 13 दिन 13 महीने और पूरे 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा की। उनके कार्यकाल में परमाणु बम फोड़ा गया पोखरण में, भारत विश्व में शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ। हम सब जानते हैं वो छोटे परिवार से जन्म लेकर वह संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और वह एक कवि हृदय थे, वह एक पत्रकार थे जिनने 5 दिन में स्वदेश में अनेक लेख लिखे और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक होने के नाते उनने जो देश में राजनीति को शुचिता की जो राजनीति प्रारंभ की है, ऐसे महामानों को हम नमन करते हैं। ऐसा महामानव अटल बिहारी वाजपेयी हम चाहते हैं पुनः धरती पर आए। हम जानते हैं कि उनके कार्यकाल में जिस प्रकार की वो कविताएं गाते थे, उनने पाकिस्तान में भी मित्रता के लिए प्रयत्न किया और ऐसे अनेक काम उन्होंने किए हैं। चतुर्भुज योजना बनाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। जब उन्होंने कहा था पानी के लिए, तो पानी संचय करने का काम उनने एक उस समय नदियों को मिलाने का काम उन्होंने प्रारंभ की थी, वो उनके सपनों को साकार आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनने भारतीय जनसंघ से हम देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में दीनदयाल जी, और दीनदयाल जी के बाद यदि किसी ने संभाला था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संभाला था। उनके समय ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जो भारतीय जनता पार्टी आज अनेक प्रांतों में और देश में एकदम शानदार राज कर रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। उन्हीं की योजनाओं के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अनेक काम शुभारंभ किया है। उनकी मूर्ति का अनावरण भी आज हो रहा है, तो मैं उनके जन्मदिन की सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, उस मार्ग पर हम चले और इस देश को पुनः विश्वगुरु के स्थान पर ले जाएं। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब उन्होंने कहा था
कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज हम देखते हैं उस महामानव ने उस समय जो कहा था आज वह सिद्ध हो रहा है, और आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, और वो एक के बाद एक ऐसे रचनात्मक निर्णय ले रहे हैं जो देश वापस अखंड भारत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है।